बेटा 11th क्लास में इससे पहले हमने डिस्कस किया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगला जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है और वो है आपके यहाँ स्टोइकोमेट्री। बेटा स्टोइकोमेट्री जो वर्ड आता है वो इसका मतलब होता है रेशियो। स्टोइकोमेट्री मीन्स क्या होता है? रेशियो। तो एक्चुअली इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो रेशियो मोल में हो सकता है, मास में हो सकता है, ठीक है ना, वॉल्यूम में हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी चीज में, यानी कुल मिलाकर के आपको क्या पढ़ना है? रेशियो पढ़ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, हमने एक इक्वेशन लिखी CaCO3। पहले तो स्टोइकोमेट्री को पढ़ना सीखिए। इस केमिकल इक्वेशन में बेटा जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे बेटा? बाय द लॉ ऑफ स्टोइकोमेट्री हम इसको रीड करते हैं कि देखिए जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है उसका कोफिशिएंट हम मानते हैं 1, ठीक है ना। इन सभी इस संख्या को कहा जाता है, दिस इज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CaCO3। इसके आगे क्या लिखा है? 2। तो इसका मतलब इसके कितने मोल होंगे? 2 मोल। अब स्टोइकोमेट्री इस रिएक्शन की क्या कह रही है कि अगर इस रिएक्शन को आप देखेंगे तो इसको देखने से पता चल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल HCl के 2 मोल से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल HCl के 2 मोल से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, यानी अगर ये एक्यूरेटली इतनी अमाउंट ली जाती है तो रिएक्शन के बाद ना तो कहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट का कोई अमाउंट बचेगी और ना ही HCl की अमाउंट बचेगी, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे तो देखिए अब यहां क्या मिला? CaCl2। इसके आगे कुछ नहीं है, 1 मोल। इसके आगे कुछ नहीं है, 1 मोल। इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या है? 1। यानी जो कोफिशिएंट है ये हमें क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट। तो ये तो हो गए रेशियो इन मोल्स। इसका मतलब अब अगर कोई आपसे कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट और HCl में बनने वाले जो प्रोडक्ट है इनके मोल्स का रेशियो बताइए, तो 1:1:1। मतलब अगर एक इसमें एक भी चीज अगर आपको बता दी गई कि 1 मोल CaCl2 बना है तो दोनों अंडरस्टूड होता है कि अगर ये 1 मोल बन रहा है तो ये भी 1 बना होगा और ये भी 1 बना होगा। अगर ये आधा मोल बन रहा है तो ये भी आधा बना होगा और ये भी आधा बना होगा, ठीक है ना। तो स्टोइकोमेट्री हमें इस रेशियो के बारे में बताती है। तो ये तो हो गया इससे मोल के टर्म में। अब जरा देखते हैं बेटा क्या इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, 1 × मोल के लिए आप क्या करते हैं? मोल को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे आप? जिस कंपाउंड का मोल दिया गया उसका मॉलिक्यूलर मास लिखिए और उसके आगे ग्राम लगा दीजिए। तो 1 × कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 40 + 2 = 12 + 48, ठीक है ना, कितना आ गया? 100, ठीक है। तो 100 ग्राम प्लस 2 × क्योंकि इसके आगे 2 मोल है तो 2 × अब HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 35.5 + 1 तो 36.5 ग्राम। CaCl2 1 × 40 + 71 = 111 ग्राम, ठीक है। H2O 1 × H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, CO2 1 × 44 ग्राम, ठीक है। अब इसको जरा एक बार फिर से हम चेक करते हैं इसमें क्या आ रहा है। 100 ग्राम
CaCO3 73 ग्राम HCl रिएक्ट करता है तो 111 ग्राम क्या बनेगा CaCl2 प्लस 18 ग्राम क्या बनेगा वाटर प्लस 44 ग्राम क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना अगर आपके आपको ऐसा विश्वास नहीं बेटा तो आप इन सबको सम करके देख लेना, इधर का टोटल मास इधर के टोटल मास के बराबर होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर इसको सम करते हैं तो 173 ग्राम, इसको सम करते हैं बेटा 170, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोइकोमेट्री में आप जो रिलेशन पढ़ेंगे वो आप पढ़ सकते हैं, मोल मोल रिलेशन या मोल मास रिलेशन, ठीक है ना। और वो तो हमारे खुद के कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, हमने इसको मोल ले लिया और या मास ले लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर मास वॉल्यूम रिलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ कहां काम करेगा, जहां गैस के रिएक्टेंट हो, ठीक है ना, गैस का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो। तो इस तरीके से ये इतने टाइप से आपको स्टोइकोमेट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मिलते बेटा। तो स्टोइकोमेट्री का मेन जो फैक्टर था, मेन जो कॉन्सेप्ट था, वो यही है कि किसी भी क्वेश्चन को लिखने के बाद जब वो बैलेंस की जाती है तो बैलेंस करने के बाद हर एक मॉलिक्यूल से पहले जो संख्या लिखी जाती है वो स्टोइकोमेट्री कॉन्सेप्ट कहलाती है और कोफिशिएंट कहलाती है, और ये कोफिशिएंट हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, इसके बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है तो हम उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज के एक मोल का मास किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखिए एक छोटा सा पहले न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, स्टोइकोमेट्री जो है वो खास करके न्यूमेरिकल के लिए ही। जैसे क्वेश्चन बेटा कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 प्लस, कंबस्शन का मतलब होता है किसी चीज का जलना, और जलने के लिए हमने पहले बताया कि जलने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स। अब बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी भी अगर ये बर्न होता है तो ये ध्यान से सुनना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है तो जितने कार्बन है उतनी CO2 बनेगी, यहां एक कार्बन है तो एक CO2 बनेगी, और जितने हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर बन जाए। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लो बेटा 2 और 2 4, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टोइकोमेट्री क्या कहती है कि इसका मतलब वन मोल मीथेन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल वाटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है दिया क्या गया है 16 ग्राम मीथेन, और पूछा क्या जा रहा है कि कितना वाटर बनेगा, मास ऑफ वाटर। तो और फालतू चीजों को मत करना, सिर्फ जो जो चीज आप जो दिया गया है और जो पूछा गया है उनको आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है बेटा। CH4 दिया गया है 16 ग्राम, तो पहले इसका क्या करेंगे हम, एक मोल में कितने ग्राम होते हैं बेटा, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4, कितना आ गया 16 के आगे क्या लगा दोगे ग्राम, ठीक है। और कितने मोल से, इसको एक मोल है तो एक से मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाओ 2 into वाटर का कितना 18 ग्राम, तो कितना आ गया 2 into 18 36 ग्राम। यहां से बिल्कुल कुछ कलर नहीं, देखो साफ दिख रहा है। इसने क्या कहा था कि 16 ग्राम मीथेन से कितने ग्राम पानी बनेगा, हो गया सॉल्यूशन, देखिए 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स 36 ग्राम ऑफ वाटर ऑन कंबस्शन।
आपकी क्वेश्चन ये सॉल्व होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ मिलेंगे, मास मास पे मिलेंगे, मास मोल पे मिलेंगे, मोल वॉल्यूम पे मिलेंगे, ठीक है, मास वॉल्यूम पे मिलेंगे, उनको आप बेटा प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद कल जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें इसके और सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे बेटा। थैंक यू।